बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है अली शिगरी और मेरा ये यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई बढ़ती रहे और आप तक मुफीद वीडियोस पहुँचाने का सिलसिला जारी रहे। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करती जा रही है और जितनी तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है उतनी तेज़ी से इंसानियत गिरती जा रही है। आज दुनिया में हर तरफ हमें इंसान ही इंसान दिखाई देते हैं, मगर इनके अंदर इंसानियत बहुत ही कम हमें नज़र आती है। दुनिया में इस वक्त पैसा कमाने का दौर है, हर इंसान अपना मफाद देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वह हलाल और हराम दोनों तरीक़ों से पैसा कमाना चाहता है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक नियामत है। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी अपनी बंदगी के लिए दी है और क्या ही अच्छा हो कि इंसान इस दुनिया के साथ साथ अल्लाह की बंदगी भी बजा लाए। नौजवानी में फहश मवाद के दौर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़माने में दजाली फितनागरों के फितने में जो हमारे नौजवान फंस गए हैं और जिन्होंने बुरी आदतें अपना ली हैं, जो मुश्त जनी करने की वजह से अपने नफ्स को ख़राब कर चुके हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए मेरी तरफ़ से ये गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपको इंशाल्लाह एक आसान सा हल बताऊंगा जिसके अमल से आपके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और जो मेरे नौजवान शादी के नाम से हिचकिचाहट का शिकार है उनकी हिचकिचाहट भी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं अपनी वही बात दोहराता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर कोई नौजवान गलत काम कर चुके हैं तो वो मायूसी के दलदल में जाने की बजाय अपना इलाज का सोचें। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा मौजूद ना हो। पहले तो आप इस काम से हमेशा के लिए इज्तनाब करने का ख़ुद से वादा करें। 5 वक्त का नमाज का अहतमाम करें, सुबह की वर्जिश को अपना मामूल बनाएँ, गर्म और मुर्ग ग़िज़ाओं से अपने आप को महफूज रखें। इंसान की ये ज़िंदगी इंसान को एक बार ही मिलती है, क्या ही अच्छा हो कि इंसान इस ज़िंदगी को ऐसे जिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। तो मेरे दोस्तों, मायूस नहीं होना, मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस अपनी बात का मुख्तसर सा खुलासा बयान करता हूँ कि जो लोग मुश्त जनी की वजह से अपने नफ्स को ख़राब कर चुके हैं वो मेरी ये बात सुन ले कि आपके नफ्स को अल्लाह ताला ने बहुत ही हसास बनाया है, आपकी हाथों की सख्ती इसको बर्दाश्त नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जितना ये हसास है उसी हिसाब से औरत की शर्मगाह को भी हसास बनाया है। तो कुछ लोग नौजवान गलतकारी की वजह से अपने हाथों से अपने नफ्स को ख़राब कर चुके हैं, उनके लिए हाकर्षी का ये तिला मकवी खास इस्तेमाल करें, इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपका मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसको 5 से 7 कतरे अपने नफ्स के ऊपर लगाएं और अच्छी तरह 5 से 10 मिनट तक मालिश करें। रात को सोने से पहले यह अमल सर अंजाम दें। याद रहे, इस दौरान आप मुश्त जनी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, गर्म ग़िज़ाओं से अपने आप को दूर रखें, जो ग़िज़ाएँ जिनकी मिजाज सर्द हैं उनका इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, नमाज का बाकायदगी से अहतमाम करें। यह कर्शी का तिला मकवी बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब चीज़ है, इसका रिज़ल्ट 100% है। आप इसको इस्तेमाल करें और चंद ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि वो आपके अज़ूए तनासिल या आपके नफ्स के अंदर मौजूद खून की वो नालियाँ जो आपकी मुश्तज़नी की वजह से बंद हो गई थी उनको आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए आप महसूस करेंगे, और जब खून की रवानी होगी तो नफ्स में तनाव आएगा, नफ्स का साइज़ खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा और आप एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये किसी भी पाकिस्तान के अच्छे मेडिकल स्टोर से ये आपको मिल जाएगी। इसकी तस्वीर मैं साथ में
डाल रहा हूँ यह तस्वीर दिखाकर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।